खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। विजय राघवगढ़। कलयुग में श्री राम नाम ही मानव जीवन को भवसागर से पार होने का एकमात्र साधन है। श्री श्री श्याम सुंदर दास जी भागवत भ्रमर विजय राघवगढ़ क्षेत्र के डुकरिया ग्राम में भागवत भ्रमर श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के दौरान कहा कि आज के भौतिकवादी युग में राम नाम कलयुग के सबसे बड़ा मंत्र राज है। तुलसी के राम एक साथ मर्यादा पुरुषोत्तम राजा समाज सुधारक नेता वीर आदर्श चरित्र लोकमान्य पुरुषोत्तम माने गए हैं। इन्हीं के आदर्श को सद्गुरुदेव श्री राम हर्षनदास जी ने सोनभद्र के पावन तट पर श्री राम जी एवं जानकी जी के संबंध में श्री प्रेम नारायण की अद्भुत रचना की। उन्हीं के प्रसाद स्वरूप श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज ने भी श्री राम जी के जीवन चरित्र को 7 खंडों में प्रेम रामायण लिखकर समाज को एक नया ग्रंथ देने की शुरुआत की है। भगवान की जय। इस घोर कलयुग में और मेरे गुरुदेव के लिए जो वंदना है, गौरांगम रसमयम नित्यम रसाचार्यम रसोत्सुकम श्रीमद् राम हरिपम देवाख्यम सदगुरु प्रणमाम्य। जयते भक्ति का ह्रास देखकर और समय समय पर भगवान आते हैं, भगवान ग्रंथ के रूप में भी आते हैं और अपने भक्त ऋषियों के रूप में भी आते हैं। तो जैसे त्रेता में राम जी आए, द्वापर में कृष्ण भगवान आए, वाल्मीकि रामायण भागवत, ऐसे इस कलयुग में और राम प्रेम के प्रचार के लिए श्री स्वामी श्री रामचंद्र दास जी महाराज मेरे गुरुदेव इस विंध्याचल के पौड़ी क्राफ्ट में और लक्ष्मी निधि जी जो राम जी महाराज थे उनके साले साहब श्री लक्ष्मी निधि जी के अवतार किशोरी जी के भैया मेरे गुरुदेव के रूप में आए और इस घोर कलयुग में राम प्रेम की ऐसी भागीरथी बहाई, पूरे जीवन राम विरही और भक्त और तपस्वी ज्ञानी त्यागी सब कुछ होते हैं पर राम विरही राम प्रेम में जो पगा रहे, जिसके लिए भरत जी के लिए आया कि जब राम कही ले तो साता उमगत प्रेम मनोम चौपा द्रवई वचन सुनि कुलिस प्रसाद। ऐसे हमारे गुरुदेव ने अपने अश्रुओं से और इसी मारकंडे आश्रम में और श्रीमद् प्रेम रामायण महाकाव्य की रचना किया, प्रेम यज्ञ का धारा बहाया और प्रेम समाधि का जीवा में लगा जो पूरे विंध्य क्षेत्र में ऐसे महापुरुष का स्मरण मात्र जीवन को धन्य कर देता है। विजय राघवगढ़ क्षेत्र में 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन श्री आनंद तिवारी के गृह निवास में आयोजित किया गया, जहां अनवरत संतों का आगमन हुआ एवं भगवत भ्रमर श्री श्याम सुंदर दास जी के मुखारविंद से जनमानस ने कथा का रसपान किया। खबर समय जगत के लिए विजय राघवगढ़ से सुरेंद्र दुबे की रिपोर्ट। पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।